हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और हमारी सब दावत फैमिली को, हमारे सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को मकर संक्रांति की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मकर संक्रांति है, इसीलिए तिल गुड़ की रेसिपीज तो बनाना बनती ही है। तो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ गाइस, तिल गुल के इस तरह के एकदम पतले पापड़ी की, या तिल पापड़ भी आप इसे कह सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और इतना पतला हमने इसे बेला है। इसमें कुछ टिप्स यूज़ किए जाते हैं, उसे किस तरह से बनाना है वो सारी परफेक्ट रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए रेसिपी जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले गाइस, हमें ये तिल पापड़ या तिल पापड़ी बनाने से पहले हमें ये जो चकला बेलन है या जो रोलिंग पैन है, उसे घी से इस तरह से ग्रीस करना है, क्योंकि जब हम लोग इसके ऊपर पापड़ बेलेंगे या पापड़ी बनाएंगे तो वो इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। आप चाहे तो इसकी जगह पर जो लकड़ी वाला उड़न का चॉपिंग बोर्ड आता है वो भी ले सकते हैं। बेलन को भी मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। तो अब पापड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गैस पर पैन चढ़ा दिया है। इसमें हम लोग सबसे पहले डाल देंगे गाइस तिल, और तिल को हम लोग बस हल्की आंच पे, धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी ये सफ़ेद तिल लिए है और इसे हम लोग इस पैन में डाल देते हैं, और बस 5 से 6 मिनट तक हमें इसे लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह से रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, नहीं तो ये जो तिल है गाइस बहुत जल्दी से जल भी जाते हैं और जलने के बाद कड़वा स्वाद इसमें आ सकता है। तो आपको बस लो फ्लेम पर ही इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से रोस्ट करना है और लगातार इसे इस तरह से कलछी से या चम्मच से आपको हिलाते भी रहना है, ताकि ये बिल्कुल भी नीचे से जले ना। तो 5 से 6 मिनट तक मैं इसे इसी तरह से रोस्ट कर लेती हूँ। तीन चार मिनट के बाद हल्के से ये चटकने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी 2 से 3 मिनट में ये पूरी तरह से रोस्ट हो जाएंगे, और इसकी एक धीमी सी भुनने वाली खुशबू भी आती है तो भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर पूरे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं गाइस, मैं इसे लगातार चला रही हूँ। इस तरह से देखिए हल्का सा इसका कलर भी चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्राउन इसे नहीं करना है। भुनने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, हल्के से ये क्रंची और क्रिस्पी हो जाते हैं, इसीलिए हमने कच्चे तिल यहाँ पर यूज़ नहीं किए हैं, इसे हमें रोस्ट करके ही यूज़ करना है। अब ये रोस्ट हो चुके हैं तो मैं इसे यहाँ पर एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसे हम लोग अब साइड में रख देंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ पर मूंगफली भी इसी के साथ भून सकते हैं और उसकी पाउडर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पर सिर्फ तिल पट्टी या तिल पापड़ी बना रही हूँ तो मैंने सिर्फ तिल का ही यूज़ किया है। अब उसी पैन में मैं यहाँ पर डाल देती हूँ आधा कटोरी चीनी। जितने हमने तिल लिए थे गाइस, सेम उसी क्वान्टिटी में आपको चीनी लेनी है। इसका मेजरमेंट बहुत ही सिंपल है, जितनी चीनी उतने ही आपको तिल लेने हैं। अगर थोड़ा सा भी कम ज़्यादा इसका रेशो हो जाता है तो आपके पापड़ या जो तिल पापड़ी है वो अच्छे से नहीं बनेगी। तो यहाँ पर गरम पैन में ये चीनी डालने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से इसे थोड़ा सा स्प्रेड करके रखना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर चाशनी बनाने के लिए पानी वगैरह बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं करेंगे, ना ही घी हम लोग इसमें डाल देंगे। बस हमें यहाँ पर चीनी को पूरी तरह से बिना पानी के ही मेल्ट होने देना है, और गैस का फ्लेम यहाँ पर भी आपको लो पर ही रखना है। तो आप लोग देखेंगे 5 से 7 मिनट के बाद आपकी जो ये चीनी है वो हल्के से पानी छोड़ना शुरू कर देगी और थोड़ी थोड़ी मेल्ट होना भी शुरू हो जाएगी। तो आपको इसे बिल्कुल भी अभी टच नहीं करना है। तो 3-4 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं, बीच में यहाँ पर हल्का सा हमारी जो चीनी है वो मेल्ट होना शुरू हो चुकी है इस तरह से। तो अभी भी आपको इसे बिल्कुल भी नहीं चलाना है, क्योंकि धीरे धीरे करके ही आपकी जो चीनी है वो पूरी तरह से मेल्ट होने लगती है। आपको इसमें ना ही पानी वगैरह बिल्कुल भी यूज़ करना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर 3-4 मिनट के बाद पूरी जो चीनी थी हमारी वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है इस तरह से, और ये जो कलछी को या चम्मच को हमारी जो चीनी लगी है थोड़ी सी, वो भी आपको इसमें डाल देनी है। आपको सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है कि ये जो आप चाशनी बना रहे हैं यहाँ पर, इसमें कोई भी चीनी का दाना साबुत नहीं रहना चाहिए, ये पूरी तरह से पतली होनी चाहिए।
तो देखिए इसके ऊपर लगी हुई चीनी भी मैं इसमें डाल देती हूँ। कैरमल सॉस की तरह हमने इसे बनाया है, लेकिन गैस का फ्लेम अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी बढ़ जाता है तो आपकी जो चीनी है वो जल जाएगी, तो आपको गैस का फ्लेम लो पर ही रखना है। मेल्ट होने के बाद आपको इसे लगातार चलाते रहना है। देखिए इसमें चीनी का एक भी दाना नहीं है, पूरी तरह से चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। तो अब हमने जो साइड में भुने हुए तिल या रोस्टेड तिल रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसके आगे की प्रोसेस आपको थोड़ी सी फास्ट करनी है गाइस, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे या टाइम वेस्ट करेंगे तो आपके जो तिल पापड़ हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून ये जो पिस्ता है चॉप पिस्ता वो भी डाल दिया है। गैस का फ्लेम आपको अभी बंद कर देना है और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमारा ये तिल पापड़ बनाने के लिए मिश्रण तैयार है। तो फटाफट से आपको ये जो गरम गरम ही मिश्रण है वो इस चकले के ऊपर डाल देना है। थोड़ा सा जल्दी से आपको ये काम करना है गाइस, नहीं तो ये जल्दी से सेट भी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर हाथ से ही इसे हल्का सा गोल शेप दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म है। आप चाहे तो यहाँ पर कटोरी वगैरह से भी इसे शेप दे सकते हैं। और फटाफट से आपको बस इसे जितना आप इसे पतला बेल सकते हैं उतना आपको इसे बेल लेना है, क्योंकि ये पापड़ जितने पतले होते हैं उतने ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। और ये जो मिश्रण है वो अगर थोड़ा सा भी ठंडा होता है ना तो हम लोग इसे अच्छी तरह से बेल नहीं पाएंगे। तो आपको ये जो सारी प्रोसेस है वो जब ये मिश्रण गर्म है तभी करनी है। तो देखिए आधे मिनट के अंदर ही बस 30 सेकेंड्स में ये सेट भी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत पतला मैंने बेला है। तो अब ये पापड़ बिल्कुल तैयार है। अब जो बाकी का थोड़ा सा मिश्रण हमारी कढ़ाई में बचा है गाइस, वो कढ़ाई गर्म होने की वजह से बिल्कुल वही उसी स्टेज पर है, बिल्कुल भी मैंने उसे गर्म नहीं किया है। अगर आपका ये मिश्रण थोड़ा सा टाइट हो जाता है तो आप फिर से 1 या 1.5 मिनट के लिए इसे कढ़ाई में गर्म कर सकते हैं और बाद में जो दूसरा पापड़ है उसे भी बना सकते हैं। लेकिन आपकी कढ़ाई गर्म होने के कारण ये अच्छी तरह से उसी तरह से रहता है जैसे आप पहले पापड़ बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरा भी पापड़ बनाना शुरू किया है। सिर्फ पापड़ बेलने की जो प्रोसेस है वो आपको एकदम फास्ट करनी है, बिल्कुल भी यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो ये जल्दी से सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो दूसरा भी पापड़ हमारे यहाँ पर तैयार है, देख सकते हैं। आपको जितना पतला पापड़ पसंद है या जितनी तिल पापड़ी ये आपको पतली वाली पसंद है उतना पतला आप इसे बेल सकते हैं। एकदम परफेक्ट मार्केट जैसी पतली और सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी आपकी ये तिल पापड़ी घर पर ही तैयार हो जाती है। बस 10 मिनट के अंदर आपका ये काम हो जाता है गाइज, लेकिन खाने में ये पापड़ या ये जो पापड़ी बनी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और विंटर सीजन में वैसे भी तिल खाना हमारी हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं और इस मकर संक्रांति पे इसे ज़रूर बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये पापड़ अभी सेट हो चुके हैं, देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी और क्रंची ये तैयार हुए हैं। मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ, देखिए एकदम परफेक्ट सुपर पतला हमारा ये जो तिल पापड़ है गाइज वो बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा ये कुरकुरा लगता है और टेस्टी भी है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अच्छी लगी है, हमेशा की तरह पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर। और दावत चैनल पर अगर आप नए हैं, ऐसी नई नई और बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो दावत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जो बेल बटन या घंटी का बटन है ना उसे भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं चैनल पर नया वीडियो नई रेसिपी अपलोड करूँगी सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।